हमने ये प्रोग्राम पूरी टीम ने आप सबने आयोजित किया है। ध्यान से सुनिए, जो समाज अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं, और जिस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते हैं, उस समाज के अधिकारों को तुम ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख सकते। है मेरे देश के वीर सपूतों, आपके लिए इन भाइयों ने अपनी शहादत दी है, और मैं कहना चाहता हूं शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती है इस देश के अंदर। मैं कहना चाहता हूं दुश्मन से जिन्हें पाया बड़ी मुश्किल से, वो यूं ही खो नहीं सकती, विरोधी लाचाले उन्हें ये मिल नहीं सकती। भीम के नाम पे जीना है, भीम के नाम पे मर जाना, शहादत से बड़ी इबादत कोई हो नहीं सकती। हम जब तक जिंदा है बाबा साहब के आंदोलन के लिए काम करते रहेंगे। हम भीम और काशी के बेटे हैं, हम हरगिज डर नहीं सकते। हमें मालूम है मरने से पहले हम मर नहीं सकते। जो कायर है वो कायर है जो दुश्मन के आगे झुक जाते हैं। हम भीम के और बहन जी के सिपाही हैं, हम जिंदगी में किसी के सामने झुक नहीं सकते। मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया है, आज ये स्टैचू आपके बीच में परिजनों को दी जाएगी, हमारे ही माध्यम से ये उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद दिल्ली और उसके बाद उस क्षेत्र के कॉमन प्लेस पे जहां सुरक्षित रह सके वहां पे लगवाई जाएगी, जिससे कि पत्थर के नीचे ये लिखा जाए ये बालक शहीद नहीं हुआ है, बल्कि ये बालक मरा नहीं है, बल्कि इस समाज के खातिर शहीद हुआ है। इसलिए मेरे समाज के नौजवान साथियों, एक हमारे बीच में यहाँ चरणजीत सिंह बैठे हुए पंजाब से, आपको मालूम है उनके पैर काम नहीं करते। जब मैं इनके घर पे इनके आमंत्रित करने के लिए गया था, सम्मानित साथियों मैं ब्रीफ कर रहा हूं, जब ये मेरी गाड़ी पे बैठे मैंने इनको बात बताई कि आपके बेटे को शहीदी की उपाधि ये समाज देने जा रहा है, तो हमारे चौधरी चंद्रजीत सिंह जी ने जो हमारे बहुजन समाज में वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो ये चरणजीत इस पंजाब के अंदर 1,00,000 बॉबी पैदा करने का काम करेगा। हम भी देखते हैं तुम हमारे अधिकारों के साथ में कब तक खिलवाड़ करोगे। और सम्मानित साथियों, रही बात सरकार की, मैं आपको बताना चाहता हूं ये माननीय साहब काशीराम जी का जमाना है। आज की डेट में अगर 272 एमपी से सरकार बनती है तो हमको 272 एमपी जीतने की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी भी कांग्रेस और बीजेपी के 272 एमपी होने नहीं देने हैं। केवल हमें इतना काम करना है, हमें 272 73 जीतने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, आपने झारखंड को देखा होगा, वहां पे 85 एमएलए की सीट कांग्रेस जीत गई 42, बीजेपी जीत गई 42, एक जीत गया निर्दलीय, सरकार बनती है 43 से। कांग्रेस ने कहा है निर्दलीय भाई अपना समर्थन मुझको दे दे, मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा। बीजेपी ने कहा नहीं मुझको दे दे, कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, बड़े बड़े चार मंत्रालय दूंगा। वो घूमता घूमता माननीय साहब काशीराम जी के पास पहुंचा और कहने लगा सारी विपता बताई, तो साहब काशीराम ने कहा अरे मेरे भाई, जब तेरे बिना किसी की सरकार बन ही नहीं सकती, बिकने का तो कोई डर ही नहीं है, तो जाकर के कहते मैं भी चाहता हूं द्वारा चुनाव ना हो, मैं भी चाहता हूं जनता का पैसा खराब ना हो, मैं भी चाहता हूं तुमको समर्थन दूं। मैं तुम्हें समर्थन तो दे दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। एक अकेला मुख्यमंत्री बना, नाम था मधु कोड़ा, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री हमारे एसटी समाज से था। आपके उत्तर प्रदेश में देखा बीजेपी के 95 1995 में बीजेपी के 150 और बीएसपी के 67। इस देश के सबसे बड़े आदमी ने कहा माननीय साहब काशीराम को, जाओ हम तुम्हारे बारे में सोचते थे कि तुम हमें अपने समर्थन दोगे, लेकिन तुमने क्या कर दिया। माननीय साहब काशीराम ने कहा
अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जगजीवन राम नहीं, इसका नाम है काशीराम। ये जानता है अगर मेरी सरकार तुम्हारे बिना नहीं बन सकती तो तुम्हारी सरकार भी मेरे बिना बनने वाली नहीं है। और 3 जून 1995 को आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम हुआ है। मेरे समाज के लोगों, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, 2 सीटें छोड़ी हैं। अगर उस आदमी ने, उस पप्पू ने अगर बहन जी के द्वारा दी हुई उन 2 सीटों पे जिक्र नहीं किया, नहीं सोचा, तो वहां पर भी हम लोग, हमारी बहन जी का जो निर्णय आएगा, अगर आ गया बहन जी का निर्णय, तो उन 2 सीटों पर भी हम उनके माँ और उनके मम्मी और बेटे को, दोनों को वहां से हराने का काम करेंगे। जब वहां जीतने ही नहीं देंगे तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? हम तो कहते रहते हैं ये प्रकृति का नियम है। जैसे R4 रावण के आतंक को इन लोगों ने हमारे महापुरुष को समाप्त करने के लिए राम पैदा किया, K4 कंस को समाप्त करने के लिए K4 कृष्ण कैप पैदा किया। जब इस देश में बापू का आतंक चल रहा था, बापू ने कहा अम्बेडकर मैं तेरे समाज को आजाद नहीं होने दूंगा, तो बापू से बाबा साहब ने कहा हे गांधी तू तो तू, तेरा बाप भी आ जाए, तेरा बाप तो बाप, तेरा 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाए, तब भी तू मेरे समाज को आजाद होने से बचा नहीं पाएगा। सम्मानित साथियों, B4 बापू को समाप्त करने के लिए इस कुदरत में B4 बाबा साहब को भेजने का काम किया। आज जब इस देश में मोदी का आतंक चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए आपने देखा सारे समीकरण सेट होते जा रहे हैं। इस प्रकृति ने M4 मोदी को समाप्त करने के लिए M4 मायावती बहन जी को भेजने का काम हुआ है। मेरे समाज के लोगों, मैं तो कहता रहता हूं हमारे मुस्लिम भाई यहां पर बैठे हुए हैं, सारा गठबंधन होने जा रहा है, उनको भी बताना चाहता हूं इनकी नंगी तलवारों से डरना बंद कर दो, जय श्री राम के नारों से डरना बंद कर दो। अगर इस देश में आप नमाज पढ़ना चाहते हो, औरतों को बुरखा पहनाना चाहते हो, मस्जिद बनाना चाहते हो, अपने ही धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो जाओ, हम आपको वचन देते हैं हमारे पीछे आके खड़े हो जाओ। ये भीम के सिपाही तुमको वचन देते हैं दुश्मन की आने वाली गोली को अपने सीने पे खा लेंगे, लेकिन तुम्हें खरोच नहीं आने देंगे। हे मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं तो कहता हूं ये गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, पूरा देश परेशान है, किसानों की फसल परेशान है, अब उन्होंने निर्णय भी लिया है। मैं तो कहता हूं गाय को ले लो आप लोग और राज को दे दो हमें, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम पशुओं को स्वच्छ रखना चाहते हो, हम इंसान को स्वच्छ रखना चाहते हैं। अगर इंसान स्वच्छ नहीं रहेगा तो गाय की सुरक्षा कौन करेगा भाई है? और याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोगों, बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात कोई नहीं मानता इस दुनिया में। ताकत है कहां? ताकत खेत में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत मंदिरों में नहीं है, ताकत देवी देवताओं में नहीं है। अगर ताकत देवी देवताओं में और मंदिरों में होती, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मंदिर को मुख्यमंत्री नहीं बनता छोड़ करके। इसलिए ताकत का एक स्थान है जिसका नाम है राजनीति, आप लोगों ने करना सीख लिया है। इसीलिए ये लोग सम्मानित साथियों कभी EVM में घोटाला करते हैं, कभी कहीं पे घोटाला करते हैं। EVM में घोटाला करना इस बात को प्रमाणित करता है उनकी विचारधारा में दम नहीं है। अगर उनकी विचारधारा में दम होता तो BJP के पास वोट बैंक होता, और BJP के पास वोट बैंक होता तो EVM में घोटाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए मेरे समाज के नौजवान साथियों, सभी बिरादरी धर्म के लोगों को जाकर के समझाओ, शिक्षा रोजगार पाना है तो बहन जी को PM बनाना है। इन मंदिरों के चक्कर में, औरों के चक्कर में पढ़ना बंद करो। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोग सुनते भी रहते हैं, मैं कहना चाहता हूं अन्याय से लड़ते हुए अगर आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी।
परंतु अगर आप लोग अन्याय को सहते सहते मर जाओगे तो आगे वाली पीढ़ी आपकी गुलाम बन जाएगी। इसलिए आप लोगों को अन्याय से हमेशा लड़ते रहना है। आगे के प्रोग्राम होते रहेंगे, बहुत भी और भी बहुत से काम है। और मैं कहना चाहता हूँ बहन जी के सम्मान में, मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ, बहना तेरे सम्मान में पलके बिछा के छोड़ेंगे, 2014 का बदला 19 में लेकर के छोड़ेंगे। अभी तो तेरे भाइयों ने राजनीति में कदम रखा है, 2019 में बहन जी तुम्हें इस देश का पीएम बनाने के बाद इस नरेंद्र मोदी से फिर से चाय बिकवा करके छोड़ेंगे। ये बहुत बोलता है ना, चाय बेचता था, जाओ भैया चाय तुम बेचो, आप लोग इस ताम झाम को हमें दो राजनीति। ये बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, गरीब समाज लोग आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथी पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ सभी का पुनः धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ पहुंचे सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, खुदा हाफिज। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में